चार धाम यात्रा धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के चलते यात्रा की शुरुआत में जो व्यवस्था चरमरा सी गई थी उसे काफी हद तक दुरुस्त कर लिया गया है। वहीं चार धाम यात्रियों के लिए खुशखबरी यह है कि अब पंच केदार में से एक मदमहेश्वर धाम के कपाट भी खुल गए हैं। सोमवार को मदमहेश्वर धाम के पुजारी ने पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना कर धाम के कपाट खुले। पंच केदार भगवान शिव के पांच मंदिर हैं जिन्हें पांडवों ने बनवाया था, जिसमें से केदारनाथ धाम समेत तीन शिव मंदिरों के कपाट पहले खोल दिए गए, जबकि एक मंदिर साल भर खुला ही रहता है। अगले छह महीने तक मदमहेश्वर अब अपने भक्तों को यही दर्शन देंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं अभी चार धाम यात्रा से क्या तस्वीरें आ रही हैं और प्रशासन यात्रा को लेकर जो दावे कर रहा है उसमें दम कितना है। बाबा केदार के दर्शनों के लिए उमड़ रहा आस्था का जनसैलाब, सोमवार को रिकॉर्ड 34,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा अब तक 3,00,000 पार कर चुका है। चार धाम यात्रा की शुरुआत में दिखी अव्यवस्था के बाद प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि कई बार इसे नियंत्रित करना चुनौती बन जाता है। भीड़ को देखते हुए यात्रा रूट के पड़ाव श्रीनगर में भी यात्रियों को रोकने की व्यवस्था की गई है। जहां तक श्रीनगर में यात्रियों को रोकने की व्यवस्था की गई है, उच्च अधिकारियों के आदेश से रुपया से जैसे जैसे सूचना मिल रही है उसी आधार पर हम इनको रोक रहे हैं और समय समय पे 500 के ग्रुप में छोड़ रहे हैं। उधर केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट जा रहे हैं। बैरिकेडिंग की मदद से पहले उन्हें एक जगह रोका जा रहा है, फिर यात्रा मार्ग पर भीड़ का दबाव कम होने पर ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। केदारनाथ में हुई बारिश ने यात्रियों को हुई परेशानी पर मानो मरहम का काम किया। बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे भक्तों में उत्साह की कमी नहीं है। मतलब यहाँ बहुत बढ़िया वो है, पार्किंग सब मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर नीचे सोनप्रयाग से पार्किंग करो, आगे टैक्सी की व्यवस्था अच्छी है, ऊपर खाने पीने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुगम तरीके से मुझे यहाँ बाबा के दर्शन मिले हैं। प्रशासन भी एकदम चुस्त दुरुस्त है यहाँ का और हर चीज की व्यवस्था अच्छी है। चारधाम यात्रा को सुचारू बनाए रखने के लिए उत्तराखंड शासन प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक 31 मई तक बढ़ा दी गई है। पहले ये रोक 19 मई तक थी। सोमवार से रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू होने थे, लेकिन भीड़ को देखते हुए तारीख आगे बढ़ा दी गई। यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले लोगों को पंजीकरण कराने के लिए 31 मई तक इंतजार करना होगा। चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। इस वक्त हम खड़े हैं यमुनोत्री धाम के अहम पड़ाव बड़कोट पर और ये यमुनोत्री हाईवे है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के द्वारा जो यात्रा वाहन है उनको जरूरी हिदायतें दी जा रही है, साथ में उनकी चेकिंग भी की जा रही है। उनको ये बताया जा रहा है किस तरह से उनको यमुनोत्री धाम में पहुंचना है, कहां कहां पर उनको रुकना पड़ेगा। यात्रियों का यह हुजूम ये यहां पर आप देख सकते हैं, चूंकि शाम के जो है अब लगभग 6 बज चुके हैं और 6 बजे के समय पर ये लोग यहाँ पर जो सुविधा अनुसार जो होटल है ये वहां पर रुके हैं। इसी तरीके से आगे पूरा करीब 25 किलोमीटर आगे तक जो है तीर्थ यात्रियों को विभिन्न स्थानों पर जो उनके जो होटल्स बुक किए हुए हैं वहां पर रुकना होता है और कल सुबह यहां से जो है इनकी रवानगी होगी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुविधाओं का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री धाम के बड़कोट की यात्रा रूट पर उन्होंने खुद लोगों से फीडबैक लिया। यात्रियों ने प्रबंधों पर संतुष्टि जताई, हालांकि व्यवस्था को बनाए रखने में यात्रियों को भी प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा, तभी चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चल पाएगी। जानकी चट्टी से ओंकार बहुगुणा, सोनप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।